सूचना का अधिकार आयोग राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन। मालती भिलाई के पास एक बस्ती में रहती थी। वह कई महीनों से अपना राशन कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही थी। उसने चौथी बार अपना फॉर्म भरवा के विकासखंड कार्यालय में जमा किया। कुछ दिन बाद जब वह विकासखंड कार्यालय में अपना राशन कार्ड लेने गई तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि आपका आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मालती ने अपने आवेदन की पावती दिखाई तो अधिकारी ने कहा उसे उनका आवेदन ढूंढना पड़ेगा। मालती उनके इस उत्तर से बहुत उदास और परेशान हुई। वह अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने पड़ोस में रहने वाला एक लड़का रमेश मिला। रमेश ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो? मालती ने बताया वह चार बार राशन कार्ड के लिए फार्म भरकर आवेदन दे चुकी है, लेकिन विकासखंड कार्यालय में हर बार उसका आवेदन गुम हो जाता है। रमेश ने कहा, आप जन सूचना अधिकार के अंतर्गत अपने आवेदन के विषय में जानकारी क्यों नहीं मांगती? रमेश ने मालती को बताया, सन 2005 में बने एक कानून के अनुसार हम किसी भी कार्यालय से कोई भी जानकारी एक फॉर्म भरकर निश्चित राशि जमा करके ले सकते हैं। इस कानून को जन सूचना का अधिकार कहते हैं। मालती ने कहा, बेटा मुझे इस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है। रमेश ने कहा, चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सूचना के अधिकार का प्रपत्र लाऊंगा, उसे भरकर हम आपके राशन कार्ड के विषय में विकासखंड कार्यालय से जानकारी मांगेंगे। अगले दिन मालती ने रमेश की सहायता से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विकासखंड कार्यालय में अपने राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी मांगी। लगभग 20 दिन के बाद मालती के घर एक पत्र आया जिसमें बताया गया राशन कार्ड बनकर तैयार है। वह संबंधित अधिकारी से पावती देकर राशन कार्ड ले सकती है। इस तरह सूचना का अधिकार हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। भारत सरकार ने हमें यह अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 में दिया है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत हम दस्तावेजों व अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं तथा किसी संस्था से अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं। इसके अंतर्गत वीडियो कैसेट भी लिया जा सकता है। किसी संस्था द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में हम उस राज्य के सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। सूचना अधिकार में हमें चाही गई जानकारी 30 दिनों के अंदर और किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। जिस संस्था से सूचना चाही गई है उस संस्था या अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें प्रतिदिन ₹250 या अधिकतम ₹25,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। सूचना के अधिकार से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता आई है और अब अभिलेखों के रखरखाव में सावधानी बरती जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन का संभावित प्रारूप। क्रमांक 1, आवेदक का नाम। 2, पूरा पता। 3, दूरभाष संख्या यदि हो तो। 4, आवेदन देने का दिनांक। 5, कार्यालय का नाम। 6, क्या चाहते हैं। नकल, कार्य निरीक्षण, रिकॉर्ड निरीक्षण, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित नमूना। 7, आवेदन के साथ जमा किया गया शुल्क ₹10, नगद, चालान, मनी ऑर्डर,
non-judicial stamp. 8. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो BPL सूची का अनुक्रमांक. आवेदक के हस्ताक्षर.